Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाँ ठीक है, that's good. अरे सुल्ताना कितना लेकर रहेंगी आप, खिला खिला के मोटा कर देंगी. अरे बेटा इतने दिनों बाद उस घर में खुशियाँ आई हैं, मैं जो भी लाऊं वो कम है. अरे ये गरम गरम कबाब खाओ ना. मैं खा, मैं अभी आती हूँ. हाँ तो ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जी सर, ऑफिस में तो सब ठीक है. इनफैक्ट मैं आपको रोजाना ईमेल तो करता हूँ सारी रिपोर्ट. हाँ वो तो मैं पढ़ता रहता हूँ. वैसे ये असद फिरोज वाला केस सुनकर तो मैं बहुत बहुत परेशान हुआ था. देखो इतना बड़ा फ्रॉड, वो भी दिन दिहाड़े मेरे सामने तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बना खड़ा रहता था. सर आप उसकी फिक्र ना करें, उससे मैंने रेजिग्नेशन भी ले लिया है और 3 महीने की सैलरी भी दी, ताकि कल को कोई वो कोई नया महाज ना खड़ा कर दे हमारे खिलाफ. वंडरफुल. क्या ये डिसीजन तुमने खुद लिया था? जी सर मैंने खुद किया. ये तो बहुत अच्छा किया. थैंक यू सर. वो कहीं पे लेबर कोर्ट में चला जाता, स्टे ले लेता तो मुसीबत पड़ती, क्योंकि है बहुत जहीन और चलाक. लेकिन इतना करप्ट, इतना बेईमान, मैं सोच भी नहीं सकता था. सर अब आजकल के लोग तो एक मोबाइल के ऊपर अपने ईमान खो बैठते हैं, तो फिर एक ठीक ठाक रकम थी. बट आप प्लीज फिक्र ना करें, अब घर पे बैठे आराम करें, बाकी मैं देखता हूं. अरे ये जोया नहीं पहुंची अभी तक? मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे मेरी किताब पढ़ने दो, डिस्टर्ब नहीं करो. आराम प्लीज, बस एक बार मिल ले प्लीज. जब तुम्हारे बाप ने खुद ही फैसला कर लिया है तो फिर मेरी क्या जरूरत है अब? खाला आपकी राय मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. अब क्यों नहीं बात को समझ रही है? माही बहुत अच्छा लड़का है, आईटी प्रोफेशनल है, डैड का पूरा बिजनेस उसने संभाल लिया है. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है उससे. वो वेट कर रहा है, प्लीज मिल ले उससे. एक तो तुम्हारे बाप ने घर में ही दफ्तर बना लिया, हर वक्त ऑफिस के लोग यहाँ आए रहते हैं. नहीं मिलना मुझे, मैं क्यों अपनी शाम बर्बाद करूं उस आदमी के लिए? जाओ यहां से. फाइन. अच्छा वो रात को ना मैं गजल इवनिंग में जा रही हूँ, तुम चलोगी ना मेरे साथ? नहीं बिल्कुल भी नहीं. आप मेरी बात मान रही हैं जो मैं आपकी बात मानूं? Enjoy your ghazal night. वो दरअसल हमारी साली आई हुई है ना परवीन, उनके साथ गई होगी. पिंकी खाला. हाँ परवीन को पिंकी ही कहते हैं. अच्छा मुझे नहीं पता था उनका ये नाम है. वो वैसे कब तक है यहाँ पे? अभी तो हैं कुछ दिन. वैसे उनकी वजह से जोया बहुत बेहतर हो गई है. जी जी सर. देखो बेटा ये सर सर मत कहा करो, मुझे शर्मिंदा करते हो. तुमने ना सिर्फ मेरी जान बचाई है बल्कि मेरी हयात मुझे वापस की है. जोया यू आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली नाउ बेटा. मुझे अंकल कह लिया करो, ये सर गायब करो. जी सर. आई मीन जी अंकल. कुछ खाओ ना, लो ना यार, तुम तो कुछ भी नहीं ले रहे, ये लो पकड़ो. जी सर. कम ऑन, वाव लगता है अच्छे बनाए हैं हम. ये स्पेशलिटी है एक्चुअली सुल्तान.
वो डैड कहाँ है? डैड का तो नहीं पता, लेकिन आपको मेरे साथ तन्हाई में बैठने से डर लगता है। नहीं तो घबराई भी क्यों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपसे डर नहीं लगता है भाई। अच्छा, तो फिर एक मिनट तक मेरी आंखों में आंखें डाल के देख, मान जाऊंगा। ओके। सॉरी। कल मेरी बर्थडे है, बताया था मैंने आपको? जी याद है मुझे, मैं आपको मिडनाइट तक विश करूंगी। कल शाम का मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार रहेगा और आपको आना होगा जी। और मैं आपको जहां भी लेके जाऊंगा आप उसे मना नहीं करेंगे। नहीं करूंगी। एक मर्तबा मेरे हाथ लग जाओ से और शख्सियत के परख चौड़ा कर नफरत है तमाम औरतों से, खासकर अमीर साथियों से। जब मैं यतीम खानों में लातें और घूंसे खा रहा था तो तुम जैसी अमीर लड़कियां फाइव स्टार होटल्स में हाई टी और डिनर्स कर रही थी। जब मैं बसों के थक्के खा रहा कल यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल कर रहा था तब ये पेरिस और लंदन की फ्लाइट्स में उड़ रही थी। क्यों, मेरा क्या कसूर है? सिर्फ इसलिए कि मेरे बाप ने मेरी बदकिरदार माँ को बदल की और खुद पागल खाने में चला गया? अरे वाह, मैं अपनी भांजी से इतनी इंप्रेस्ड हूँ, एक दिन में इतना प्रोग्रेस। वरना अक्सर ये होता है कि आहत उठते साथ ही या तो अस्पताल चला जाता है या जोया के घर। आंटी, मैंने ऐसा खेल खेला कि डॉक्टर साहब जोया के घर जाने के लायक ही नहीं रहे, सीधा अपनी ड्यूटी पर गए। वैसे वो बता रहा था कि बहुत खौफनाक केस आया है, कोई लावारिस बच्ची है, कोमा में है। वो कह रहा था पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी, अल्लाह खैर करे, है ना? वेरी सैड। लेकिन आंटी, अब आप उनके सब पेशेंट्स की फिक्र तो नहीं ना कर सकते, सब ठीक हो जाएगा। क्यों ना कोई फिल्म देखे? आइडिया अच्छा है, चले चले आ जाओ। अब पता नहीं डॉक्टर साहब की क्या चॉइस है, क्या रखा हुआ उन्होंने।
क्या कंडीशन होगी उसकी, जानबूझकर गाड़ी के सामने आई थी, ये तो खुदकुशी का केस है। पुलिस को हादसा तो कह दिया मगर मुझे जरूर थाने बुलाकर सवालात करेंगे। तबीयत कैसी हो? सीरियस इंजरीज तो नहीं है, लड़की मेंटल शॉक में है। कोई क्रिटिकल बात नहीं है? नहीं, मगर तुम उसके लिए इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम उसको जानते? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है। दरअसल कल रात को मेरी गाड़ी के सामने आके टकरा गई थी, मैं तब से गिल्ट का शिकार हूँ। एक्सीडेंट हो गया। ओह आई सी, मगर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? तुम तो इतनी फास्ट ड्राइव नहीं करते हो, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ। सच से बताओ ये मामला क्या है, मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही इस केस में। दरअसल ये खुद मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे, तो शुक्र है मेरी स्पीड बहुत कम थी, पता नहीं क्या हो जाता वरना। तो तुम पुलिस से कैसे निपटोगे? वो तो तुम्हारी नाक में दम कर देगी, सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। उनसे मैं बात कर लूंगा, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, बस आपने इनका बहुत ख्याल रखना। पता नहीं किसी क्या साइकोलॉजिकल हालत थी इनकी जो इतना एक्सट्रीम कदम उठाया उन्होंने। हालेबन, इसका मेडिकल बिल भी तुम पे करोगे? सारी सी बात है, जिस करके आप लोगों ने वहां वापस ही पहुंचाना है। जब तक इनका कोई वाली वारिस मिल नहीं जाता, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इन्हें मेरी बहन ही समझा। एक बात और राहत, लड़की प्रेग्नेंट भी है। ये कोई मौजज़ा ही होगा कि इतने बड़े हादसे के बावजूद माँ और बच्चा दोनों महफूज हैं। अल्लाह तेरा शुक्र। होश में है, मैं मिल सकता हूँ उनसे? हाँ श्योर, तुम मिल सकते हो। लड़की होश में तो है मगर खामोश है, शायद तुमसे बात कर ले। शुक्रिया। आप जाग रहे हैं? मैं सोच रहा था कि आपके घर वालों को फोन करके इन्फॉर्म कर दूं, परेशान हो रहे होंगे ना। एक्सक्यूज मी, किसी का नंबर मुझे प्लीज दे दे, मैं उन्हें फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। कम से कम अपना नाम ही बता दे। खैर मेरा नाम आहद है, इत्तेफाकन मैं डॉक्टर भी हूं। आप मेरी ही गाड़ी से टकराई थी, ये इत्तेफाकन था या जानबूझ के था तो आप ही बता सकती हैं।
शायद आप अभी बात नहीं करना चाह रही, आप आराम करें, मैं बाद में आ जाऊंगा। वकार, क्या हाल है भाई? हाँ ईशा, बिल्कुल ठीक है। और अभी पार्लर पे गई है, वो क्या है कि अभी हम लोग को रात में जाना है ना दावत में, तो उसके लिए जरा तैयार व्यार होने गई है। और तुम क्या आने का कह रहे थे यार? बिल्कुल आओ, लेकिन मैं सोच रहा था यार कि अभी आयशा को ना जरा नॉर्दर्न एरियाज लेके जाए। हनीमून पर हम गए नहीं यार, इतनी मसरूफियत थी, तो अब सोचा अब टाइम मिला है तो अब लेके चलूँ उसको, अच्छा है, खुश हो जाएगी। तुम आओ जरूर, लेकिन थोड़ा सा अगर अपना प्लान आगे कर लो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये है कि तुम फिक्र ना करो भाई, बिल्कुल फिक्र ना करो, आयशा तुम्हारी बहन नहीं है, मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। सो जस्ट रिलैक्स ब्रो, ओके, टेक केयर। Oh my God! मैं तुमसे दो हफ्ते क्या नहीं मिली, तुमने तो ये बॉम्ब फाड़ दिया। I don't believe this. आहिस्ता बात करो, इस तरह से क्यों अनाउंसमेंट कर रही हो? और ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे मैंने कोई अवार्ड जीत लिया हो? ये अवार्ड ही है मेरी जान, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और तुम उससे मिलने जा रही हो उसकी बर्थडे पर, ग्रेट यार। आई नो, लेकिन डैड और सुल्ताना भी सब क्या कहेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन सबको मैं संभाल लूंगी, मगर जो हमारा डॉक्टर आहद, उसका क्या? तुम मुझसे आहद की बात क्यों कर रही हो? अभी हुमायूं की बात कर रहे हैं ना? Just tell you, he's so amazing. कितनी अच्छी personality है उसकी, इतना धीरे धीरे बोलता है, बिल्कुल मथम मथम, he's so sober. I just can't tell you enough. ये तुम किसी लवर से ज्यादा किसी टीचर का हुलिया बयान कर रहे हो। साहब, आहद भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, उस दिन मुझे बता रहा था, पूरा वक्त तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, बचपन से लेके अभी तक और आगे एक सदी तक। तो तुम कर लो ना आहद से शादी, उस दिन क्यों मुलाकात करवाई थी तुम दोनों? बकवास मत करो, अच्छा ऐसा कोई सीन नहीं है। पहली बात तो ये कि जैन मुझे वापस मिल चुका है, और दूसरा ये कि आहद मेरा नहीं बल्कि वो तुम्हारे अलावा किसी का भी नहीं हो सकता। तो भाई ये आहत का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। हेलो, Thank you.
क्या हिमायूं मुझसे पैसों का हिसाब मांग रहे? या मेरे खुदा, 5 लाख तो खुद उसने मेरे अकाउंट में डलवाए थे बोनस का कहकर, और अब क्या बात है मिस उस्ना, हमेशा की तरह आपने कोई खूबसूरत रंग पहना है। फिर मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन का वेट कर रहा था और ईमेल पढ़ी कि नहीं पढ़ी जो मैंने भेजी थी? ये सब क्या है भैया? बस फिरोज ने जो किया है उसे सारे स्टाफ को सबक तो मिलना चाहिए ना। क्यों मैं सोचना? हाँ हुमायूं, उस शख्स का तो तुम नाम ही ना लो इस ऑफिस में। वैसे बॉस कब आ रहे हैं वापस ऑफिस में? कभी भी नहीं। मेरा मतलब है कि इतने अरसे बाद उन्होंने छुट्टी ली है, कुछ वक्त लगाएंगे घर में बेटी के साथ, वो भी पहली बार, लेट हिम एंजॉय। अरे वाह, उनकी अपनी बेटी से झगड़े रिजॉल्व हो गए, ये तो न्यूज़ है मेरे लिए, दैट्स अमेजिंग। क्या बात है जिब्रान, कोई परेशानी है क्या? कहीं ईमेल में कोई ऐसी बात तो नहीं पढ़ ली? जी नहीं, सब ठीक है। चलो कोई मसला हो तो आओ मेरे ऑफिस में, सॉल्व कर लेंगे। क्या हुआ जिब्रान? आप कुछ नहीं? परेशान लग रहे हो। बस थोड़ा तबीयत ऐसी है। मुझे लड़कियां सजी हुई अच्छी लगती हैं। औरत इस कायनात की सबसे हसीन तख्लीक ज़ोया, और तुम उन तमाम हसीन औरतों में से सबसे हसीन। आज की शाम किस कदर हसीन होगी, मुझसे तो दिन गुजारे नहीं गुजर रहा। और पिंकी खाला से क्या कहूंगी मैं कि मैं कहां जा रही हूं और मैं इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हूं? अपना ये रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। गॉड, ये हुमायूं क्या कर रहा है मेरे साथ? इंसान उसी से झगड़ा मोल लेता है जब सामने वाला कमजोर हो, और आपको अपनी जीत पर पूरा यकीन है, समझे? हाँ, इतना तो मैं भी समझता हूं। तो फिर यह बात भी समझ लो कि मुझसे टकराने का अंजाम सिर्फ तबाही है तुम्हारे लिए, क्योंकि शिकस्त सिर्फ तुम्हारी होगी। क्योंकि ये जो कुर्सी है ना बॉस की, सिर्फ मेरी हो चुकी है, और तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं हवाई के लिए नहीं बनाता। इस पोजीशन पर मेरा नाम लिखा जा चुका है, सीईओ हुमायूं अली। इस बात पे मुझे उतना ही यकीन है जितना कि सूरज के रोशन होने पे, आध रात चांद के निकलने पे, और तुम्हारी मौत। घबराओ नहीं, मौत तो भरा क्या ना, एक ना एक दिन तो आनी है। मैं तुम्हें जानता हूं माई, तुम हर जायज ना जायज तरीके से अपना काम निकलवा लेते हो,
तो मैं तुम्हारी बीवी का मजबूत रिश्ता नहीं रोक सका तो एक दोस्त की दोस्ती क्या रोकेगी। और खास तौर पे असद फिरोज जैसे पत्ते के गिर जाने के बाद तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है तुम पर। इस ऑफिस में तुम्हारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, भला मैं तुमसे टक्कर कैसे ले सकता हूं। इसीलिए तो कह रहा हूं बैठो बैठो बैठो, लेट्स मूव ऑन। देखो जिब्रान, मुझे तुम्हारी उतनी ही जरूरत है जितने की तुमको मेरी जरूरत है। अब तुम मेरा साथ देते हो तो मेरी जीत का सफर थोड़ा तेज हो जाएगा। वरना कोई मसला नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि कोई काम रुकता नहीं है मेरा, अपने लिए अकेला ही काफी हूं। डील? ओके, मैं तुम्हारे साथ हूं माई। ये बिना बात, अब बताओ What's next? बस वो चौधरी एंप्लॉयज की पेमेंट आ गई, शाम में चलें पाशा के पास। आपको पता है पहली बार कराची आई, कहीं तो ले चले। अच्छा कहां लेके जाऊं तुम्हें? मैं सीधा हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल जाता हूं, वहां तुम जाना चाहती हो तो चलो। जी नहीं, मैंने तो सुना है कराची में बहुत बड़े मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पार्क्स हैं, सबसे बढ़कर समुंदर है। प्लीज मुझे समुंदर पर जाने। समुंदर तुम्हें इसलिए पसंद है क्योंकि तुम उससे दूर हो। वैसे भी जो चीज इंसान को मिल नहीं सकती वो वैसे ही चिलकना शुरू हो जाती है। इसे दुनिया जादू का खिलौना बोलती है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। अरे हाँ, मेहदी हसन की गजल है ना, सुनी है मैंने। मेहदी हसन साहब नहीं, जगजीत सिंह ने गाई, छोड़ो तुम। अरे वाह आहत, मैंने तुम्हें कहा कि मुझे सीबीयू तक जाना है, आप मुझे सरहद पार ले गए, वाह वाह। तो तुम्हें किसने रोका है? जाओ ना, घर में अम्मी है, गाड़ी है, ड्राइवर है, जाओ। किनाब तो नहीं है, मुझे आपका वक्त चाहिए। आया मैं इस वक्त बहुत उलझा हुआ हूँ। दरअसल हॉस्पिटल में एक लड़की है, मेरा मतलब एक पेशेंट है। एंड आप उस पे मर मिटे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमदर्दी के काबिल है वो बस। तो डॉक्टर साहब आप हमदर्दी से उनका इलाज करें, उनको घर भेजें, मेरे तुम्हारे बीच में ये पेशेंट कहां से आ गया? घर नहीं है उसका, खामोश रहती है बस। हालांकि रिकवर कर रही है लेकिन उसको लेके बहुत परेशान हूं आजकल, क्योंकि मेरी गाड़ी के सामने खुदकुशी करने की कोशिश की थी उसने। लगता है बहुत सताई हुई जमाने की। वेरी सैड स्टोरी। लेकिन एक बात बताओ आहत मुझे, अगर उसने फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की तो क्या करोगे तुम? ये पीछे वाली फिगर्स दिखाएं मुझे इधर। ठीक बेटा, मैंने सोचा है कि मैं कल से दफ्तर आना शुरू करूं।
क्यों? अब मेरा मतलब ऐसा है कि ऑब्वियसली आपका अपना ऑफिस है, जब जब आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन इस जिंदगी का कुछ ख्याल कीजिए। बहुत मुश्किलों से मिले जो कि अब आपके नहीं है। क्या क्या कह रहे हो तुम? मेरा मतलब है कि अब ये जोया की अमानत हो चुकी है। बहुत मुश्किलों से आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, थोड़ी कदर कीजिए जिंदगी की। देखो बेटा, कभी तो मुझे आना होगा ना दफ्तर। ठीक है, तुमने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ संभाला हुआ है, बट आई नीड टू गो टू माई ऑफिस। हाँ चलो, इस बात का फैसला हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट आने के बाद करें। चलो मान लिया। अंकल, आज मेरी बर्थडे। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो व्हाट इज हैपनिंग? कोई डिनर शिनर नहीं दे रहे? कोई पार्टी शार्टी? हाँ, वो आज कुछ दोस्तों ने और उनकी बीवियों ने एक छोटा सा डिनर रखा है। मैं चाहता था कि अगर मैं सोया को भी इनवाइट कर लूँ, ऑब्वियसली अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, बल्कि उसकी खाला पिंकी को भी इनवाइट कर लो। दोनों दे आर लाइक फ्रेंड्स। डैड, वो मैं आपको बताने आई थी कि मुझे अभी थोड़ी देर में मिनाल के घर जाना है। नहीं बेटा, आज तो हमायों की सालगिरह है। इज इनवाइटिंग यू फॉर डिनर। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, जाके खूब घूमो फिरो, नए लोगों को देखो, इस दुनिया में हो क्या रहा है जानो ना। ठीक है, ओके। बल्कि ऐसा करो कि अपनी खाला पिंकी से कहो वो भी तैयार हो जाए। टेक केयर आल्सो। हाँ वो हालांकि सर में काफी दर्द है राड, वो आपको पता है ना उनका माइग्रेन अटैक कितना सीवियर होता है। पूरे कमरे में अंधेरा करके बैठी हुई है, मैं नहीं जा सकती अंदर। अच्छा, ओके। जोया कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इतनी भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं बात है। अरे नहीं नहीं, यू आर लाइक अ फैमिली टू मी नाउ। हम तुम्हें ट्रस्ट करते हैं बेटा। जोया, यू कैन गो विद हिम। Thank you.
आपको पता है पहली बार कराची आई, कहीं तो ले चले। अच्छा कहाँ लेके जाऊं तुम्हें? मैं सीधा हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल जाता हूँ, वहां तुम जाना चाहती हो तो चलो। जी नहीं, मैंने तो सुना है कराची में बहुत बड़े मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पार्क्स हैं, सबसे बढ़कर समुंदर है। प्लीज मुझे समुंदर पर जाने। समुंदर तुम्हें इसलिए पसंद है क्योंकि तुम उससे दूर हो। ऐसे भी जो चीज इंसान को मिल नहीं सकती वो वैसे ही अच्छी लगना शुरू हो जाती है। इसे दुनिया जादू का खिलौना बोलती है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। अरे हाँ, मेहदी हसन की गजल है ना, सुनी है मैंने। मेहदी हसन साहब नहीं, जगजीत सिंह ने गई। छोड़ो तुम। अरे वाह आहत, मैंने तुम्हें कहा कि मुझे सीवीयू तक जाना है, आप मुझे सरहद पार ले गए। वाह वाह, तो तुम्हें किसने रोका है? जाओ ना, घर में अम्मी है, गाड़ी है, ड्राइवर है, जाओ। किनाब तो नहीं है, मुझे आपका वक्त चाहिए। आया, मैं इस वक्त बहुत उलझा हुआ हूँ। दरअसल हॉस्पिटल में एक लड़की है, मेरा मतलब एक पेशेंट है। एंड आप उस पे मर मिटे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमदर्दी के काबिल है वो बस। तो डॉक्टर साहब, आप हमदर्दी से उनका इलाज करें, उनको घर भेजें, मेरे तुम्हारे बीच में ये पेशेंट कहां से आ गया? घर नहीं है उसका, खामोश रहती है बस। हालांकि रिकवर कर रही है, लेकिन उसको लेके बहुत परेशान हूं आजकल, क्योंकि मेरी गाड़ी के सामने खुदकुशी करने की कोशिश की थी उसने। लगता है बहुत सताई हुई जमाने की। वेरी सैड स्टोरी। लेकिन एक बात बताओ आहत मुझे, अगर उसने फिर से खुदकुशी करने की कोशिश की तो क्या करोगे तुम? ये पीछे वाली फिगर्स दिखाएं मुझे इधर। ठीक बेटा, मैंने सोचा है कि मैं कल से दफ्तर आना शुरू करूं। क्यों? अब मेरा मतलब ऐसा है कि ऑब्वियसली आपका अपना ऑफिस है, जब जब आना चाहे आ सकते हैं, लेकिन इस जिंदगी का कुछ ख्याल कीजिए। बहुत मुश्किलों से मिले जो कि अब आपके नहीं है। क्या क्या कह रहे हो तुम? मेरा मतलब है कि अब ये जोया की अमानत हो चुकी है। बहुत मुश्किलों से आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, थोड़ी कदर कीजिए जिंदगी की। देखो बेटा, कभी तो मुझे आना होगा ना दफ्तर। ठीक है, तुमने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ संभाला हुआ है, बट आई नीड टू गो टू माय ऑफिस। हाँ चलो, इस बात का फैसला हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट आने के बाद करें। चलो मान लिया। अंकल, आज मेरी बर्थडे। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सो व्हाट इज हैपनिंग? कोई डिनर शिनर नहीं दे रहे? कोई पार्टी शार्टी? हाँ, वो आज कुछ दोस्तों ने और उनकी बीवियों ने एक छोटा सा डिनर रखा है। मैं चाहता था कि अगर मैं सोया को भी इनवाइट कर लूँ, ऑब्वियसली अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, बल्कि उसकी खाला पिंकी को भी इनवाइट कर लो, दोनों दे आर लाइक फ्रेंड्स। डैड, वो मैं आपको बताने आई थी कि मुझे अभी थोड़ी देर में
मिनाल के घर जाना है। नहीं बेटा, आज तो हमायों की सालगिरह है, इज इनवाइटिंग यू फॉर डिनर। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, जाके खूब घूमो फिरो, नए लोगों को देखो, इस दुनिया में हो क्या रहा है जानो ना। ठीक है, ओके। बल्कि ऐसा करो कि अपनी खाला पिंकी से कहो वो भी तैयार हो जाए। टेक केयर आल्सो। हाँ वो खाला के सर में काफी दर्द है रात, वो आपको पता है ना उनका माइग्रेन अटैक कितना सीवियर होता है। पूरे कमरे में अंधेरा करके बैठी हुई है, मैं नहीं जा सकती अंदर। अच्छा ओके। जोया कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इतनी भी कोई इम्पोर्टेंट बात है। अरे नहीं नहीं, यू आर लाइक अ फैमिली टू मी नाउ। हम तुम्हें ट्रस्ट करते हैं बेटा। जोया यू कैन गो विद हिम। रिश्ता है।